हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी किचन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरी मिर्च कीमे की रेसिपी। हरी मिर्च कीमा बहुत ही डिलीशियस बनता है, आप इसे हमारे तरीके से बनाएं, ये बहुत ही जायके का बनेगा। तो आइए बताना शुरू करते हैं, हरी मिर्च कीमा बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हरी मिर्च कीमा बनाने के लिए मैंने ये 1/2 kg मटन बीन्स ले लिया है और इसे हाथों से कुटवा लिया है इस तरीके से मोटा मोटा। इसमें डालने के लिए मैंने ये एक बड़ी अनियन थी हमारी, उसे मैंने फाइन कट कर लिया है, ये देखिए स्लाइसेस में इस तरीके से। 1 tablespoon मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। एक बड़े टमाटर को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। ये हमारी 15 से 20 ग्रीन चिलीज हैं और ये काफ़ी तेज़ वाली ग्रीन चिली हैं, इन्हें भी मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा। स्पाइसेस में मैंने ये 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर ले लिया है, 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर है, 1 teaspoon सॉल्ट है, 1/2 teaspoon मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है, 1/2 teaspoon क्यूमन सीड्स है हमारी, और ये 2 मैंने ग्रीन कार्डमम ले ली है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पकाने के लिए हम वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करेंगे। हमने कुकर ले लिया है, उसे गैस पर रख दिया है, फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 serving spoon ऑयल। कुकर हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये 1 serving spoon ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे हॉट स्पाइसेस। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम हल्का सा सोटे कर लेंगे, इसे हमें लाइट ब्राउन नहीं करना है, इसे हल्का सा सोटे करना है। सोटे हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम तकरीबन 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। कीमा हमारा 2 मिनट भून चुका है अच्छे से, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी कीमे के साथ तकरीबन 1 मिनट अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छे से भूनते हुए, ये देखिए पूरी तरीके से पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज। टमाटर और अपने सारे स्पाइसेस भी इसमें अभी मिक्स कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हाई रखना है हमें, हाई फ्लेम पे इसे कुक करना है। इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। कीमा बहुत अच्छे से भून चुका है, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं इसे अच्छे से भूनने में। अब हम इसमें ये 1/2 bowl से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके रख देंगे और इसमें 2 से 3 प्रेशर लगा लेंगे ताकि हमारा कीमा बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। गार्निशिंग के लिए मैंने ये थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स ले ली हैं और इस तरीके से इन्हें फाइन चॉप कर लिया है। और ये थोड़ी सी मैंने अदरक ली है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का था, उसे भी मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है। 3 सीटी आ चुकी है हमारे कुकर में,
और हमने इसे इसी के प्रेशर में छोड़ दिया था। आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है, एकदम खुश्क बना है जैसा हमें ये चाहिए था। अब हम इसमें थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे, हाफ हाफ हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे और हाफ हम इसमें जिंजर डाल देंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। हमारा हरी मिर्च कीमा बन करके बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही डिलीशियस बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाली है। इसे आप किसी भी तरीके की रोटी या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, ये चावल के साथ भी सर्व की जा सकती है, सभी के साथ ये बहुत डिलीशियस लगता है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करें, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर हाज़िर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।